जिले में राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के दो गांवों के कोटेदार के कोटे पर छापा मारा, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने निर्देश अनुसार सुबह 6:30 बजे सदर तहसील के भटहट के औरंगाबाद व जंगल कौड़िया के तुस्यारमी के कोटेदार के कोटे के निरीक्षण किया गया, जिस पर यह पाया गया कि अप्रैल माह में जो 3 बार राशन वितरण होना था उसकी जगह 2 बार हुआ, जिसका पता जिला सप्लाई कार्यालय से किया गया, लेकिन गांव के सभी कार्ड धारकों को 2 बार राशन नहीं मिला। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा घटतौली की भी शिकायतें की गई हैं, जिसका जांच किया जा रहा है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संपन्न हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, उनके द्वारा राशन लिया जा रहा है। इस तरह की सभी अनियमितताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसको देखते हुए लिस्ट को संशोधित किया जाएगा। जो कोटेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनका कोटा निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी जांच जारी है, जांच पूरे गांव की जा रही है। मेरे द्वारा औरंगाबाद के कोटेदार सुभाष यादव की जांच की गई है। मौके पर जो स्टॉक था वह स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर बराबर पाया गया, लेकिन मशीन के अंदर जो स्टॉक है उसमें भिन्नता पाई गई, जिसको देखते हुए नागरिकों का बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज सुबह 6:30 बजे सदर तहसील के दो गांव भटट में औरंगाबाद और जंगल कौड़िया में कुशहरा में मेरे और तहसीलदार सदर द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारी टीम ने यह पाया कि गांव में जो 3 बार वितरण होना था उसकी जगह 2 बार हुआ, जिससे कि जिला सप्लाई कार्यालय से कन्फर्म किया गया तो 2 ही बार वितरण होना बताया गया, परंतु गांव के सभी कार्ड धारकों को 2 बार राशन नहीं मिला। घटतौली की भी शिकायतें आई है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपात्र हैं, जो संपन्न हैं, जिनके की लिस्ट में नाम है और उनके द्वारा राशन लिया जाता है। इस प्रकार की सभी अनियमितताओं को हमने सूचीबद्ध किया है और तदनुसार लिस्ट को संशोधित किया जाएगा और जो कोटेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उनका दुकान निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज किसी के ऊपर कार्रवाई की? अभी फिलहाल अभी तक हमारी जांच चालू है, सारे गांव के अंदर जांच की जा रही है। मेरे द्वारा औरंगाबाद के कोटेदार सुभाष यादव की जांच की गई थी। मौके पे जो स्टॉक था वो स्टॉक रजिस्टर के टैली करने पे बराबर पाया गया, परंतु जो मशीन के अंदर जो स्टॉक है उससे भिन्नता पाई गई, जरा सी ज़्यादा नहीं, तो जनता के बयान के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर ऐसे लोगों को मेरा सभी से निर्देश है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि लोगों के 3-3 मंजिल के मकान हैं, घर में एसी है, कुछ के पास ट्रैक्टर हैं, परंतु उनके राशन कार्ड में और राशन की लिस्ट में नाम है और प्रत्येक महीने वो लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वंचित रह गए हैं, तो कृपया करके स्वयं से अपने नाम हटवा लें और वंचित लोगों के नाम जोड़ने की जो हमारी मुहिम चल रही है उसमें सहयोग करें।